नागपुर हलचल में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं नागपुर की विविध हलचल पर। विदर्भ में इंसान की सच्चाई और बड़प्पन दिखाई देता है। नागपुर को मैं भारतीय पुरातन संस्कृति की प्राचीन राजधानी मानती हूँ। नागपुर में मेरा एक कार्यक्रम रद्द हुआ, इस कारण मैं नागपुर में आऊंगी ही नहीं। इतनी नादान मैं नहीं हूँ। नागपुर वासियों से मैं गुस्सा हूँ, इस कारण मैं यहाँ नहीं आती। यह आरोप बेबुनियाद है। आज खुले मन से आप लोगों से संवाद कर रही हूँ। अब कार्यक्रम प्रस्तुत करने का अवसर भी नागपुरवासी जल्द ही उत्पन्न करेंगे, ऐसी आशा मैं करती हूँ। आप मुझे बुलाइए, फिर देखिए मैं आती हूँ या नहीं। इन शब्दों के साथ भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने नागपुर और विदर्भ के लोगों के प्रति अपना प्रेम और स्नेह व्यक्त किया था। यह उस समय की बात है जब वर्ष 1996 में नागपुर महानगर पालिका ने लता मंगेशकर का नागरिक सत्कार कार्यक्रम आयोजित किया था। उसी कार्यक्रम में लता जी ने उपरोक्त भावपूर्ण विचार व्यक्त किए थे। इस सत्कार कार्यक्रम में तत्कालीन महापौर कुंदा विजयकर, उपमहापौर निखारे, वर्तमान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, दत्ता मेघे, गुलाबराव गावंडे, पूर्व महापौर अटल बहादुर सिंह आदि मान्यवर उपस्थित थे। सिविल लाइन स्थित विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन के स्टेडियम में यह नागरिक सत्कार समारोह का आयोजन किया गया था। उस समय सारा स्टेडियम दर्शकों से भरा हुआ था। नागरिक सत्कार कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने लता दीदी से गीत गाने का आग्रह किया था। इस अवसर पर लता दीदी ने संत ज्ञानेश्वर द्वारा रचित पसायदान गीत गाया था। उनके साथ उनके भाई पंडित हृदयनाथ मंगेशकर भी उपस्थित थे। देश की मशहूर गायिका और स्वर कोकिला कही जाने वाली भारत रत्न लता मंगेशकर ने मुंबई के अस्पताल में रविवार को अंतिम सांस ली। उनके निधन से नागपुर शहर के गीत संगीत और कला जगत के साथ प्रत्येक नागरिक ने शोक व्यक्त किया है। शहर के अनेक संगठनों, नेताओं और प्रशंसकों ने उनके निधन पर शोक व्यक्त कर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मुंबई पहुंचकर उनके अंतिम दर्शन किए और उन्हें श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि स्वर कोकिला व देश की शान लता मंगेशकर का निधन एक अत्यंत दुखद खबर है। लता दीदी देश का अभिमान है, उनके निधन से देश को अपरिमित हानि हुई है। वे संगीत साधकों के लिए सदैव प्रेरणा बनी रही। उन्होंने कहा कि जब तक यह दुनिया है उन्हें भुलाया नहीं जा सकेगा। लता दीदी प्रखर देशभक्त थी, स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर पर उनकी दृढ़ आस्था थी। उत्तम कार्य करने के लिए लता दीदी ने हमें सदैव प्रेरणा दी। भारतीय संगीत में उनका अपार और अतुलनीय योगदान है। 30,000 से अधिक गीत गाकर उन्होंने भारतीय संगीत को विश्व के शिखर तक पहुंचाया। नागपुर के महापौर दयाशंकर तिवारी ने कहा कि अपनी सुरीली आवाज से कई शब्दों को अमर करने वाली भारत रत्न लता मंगेशकर के निधन की खबर चौंकाने वाली है। लता दीदी से नागपुर की कई यादें जुड़ी हुई है। लता दीदी को नागपुर और विदर्भ के लोगों से गहरा लगाव था। नवंबर 1996 में उन्हें नागपुर महानगर पालिका द्वारा सम्मानित किया गया था। इस कार्यक्रम में उन्होंने नागपुर शहर और विदर्भ के लोगों के प्रति अपने प्यार का इजहार किया था। पिछले कई दशकों से भारत रत्न लता मंगेशकर ने अपनी आवाज से हर पीढ़ी को मंत्रमुग्ध कर दिया है। उनके द्वारा गाए गीत हमेशा इस बात की गवाही देंगे कि वे आज भी हमारे आसपास है। भले ही वे सशरीर आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन अपनी सुमधुर आवाज के जरिए वे सदैव अमर रहेंगी। विधायक कृष्णा खोपड़े ने कहा कि भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन का दुखद समाचार पाकर मैं शोक संतप्त हूँ। समूचे बॉलीवुड के साथ साथ पूरे भारत को उनके निधन से बहुत बड़ी क्षति हुई है। आज पूरे विश्व में उनके जैसी सुरीली आवाज और किसी की नहीं है। उनके निधन से संगीत की दुनिया के एक युग का अंत हो गया है। मैं लता जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अतुल कोटेचा ने कहा कि लता दीदी यद्यपि भौतिक शरीर के रूप में हमारे बीच नहीं है, लेकिन मधुर आवाज में उनके द्वारा गाए हुए गीत हमें सदैव उनकी याद दिलाते रहेंगे। इन गीतों के रूप में लता जी आगामी पीढ़ी को भी प्रेरणा देती रहेंगी। ऊर्जा मंत्री और नागपुर जिले के पालक मंत्री डॉ. नितिन राउत ने कहा कि स्वर साम्राज्ञी भारत रत्न लता मंगेशकर के दुखद निधन से पार्श्व गायन और संगीत के क्षेत्र में एक संगीत के युग का अंत हो गया है। अपने 78 साल के करियर में लता दीदी ने 30,000 से अधिक कालजयी गीत गाए। उनके गाए गीत ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी को सुनकर आज भी आँखों में पानी भर आता है। यह गीत सुनकर देशवासियों के दिलों में देशभक्ति की चिंगारी जल उठती है। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने लता दीदी ने जब यह गीत गाया था तो नेहरू जी की आंखों में भी आंसू आ गए थे। मेरा सौभाग्य है कि मैं नागपुर में लता दीदी के कार्यक्रम में उपस्थित हुआ था। उन्हें नागपुर शहर के नागरिकों से खास लगाव था। लता दीदी के निधन से संगीत जगत पर भारी असर पड़ा है और दुनिया भर के प्रशंसकों को सदमा पहुंचा है।
मैं दिवंगत लता दीदी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करने की प्रार्थना ईश्वर से करता हूँ। राज्य के पशुपालन दुग्ध व्यवसाय विकास खेल एवं युवा कल्याण मंत्री सुनील केदार ने कहा कि स्वर साम्राज्ञी भारत रत्न लता मंगेशकर संपूर्ण भारतीय नागरिकों के हृदय का स्वर थी। लता दीदी के स्वर में भावपूर्ण राष्ट्रीयत्व था। संपूर्ण देश को एक सुर में बांधने वाला दैवी स्वर ईश्वर ने उन्हें प्रदान किया था। लता दीदी भारत की वैश्विक पहचान थी। हमारी कई पीढ़ियां उनके सुमधुर गीतों से मंत्रमुग्ध रही है। इस कारण उनके निधन का समाचार देश के प्रत्येक नागरिक को शोकाकुल करने वाला है। नागपुर में जब लता दीदी का आगमन हुआ था उस समय उन्हें प्रत्यक्ष रूप से सुनने का अवसर मुझे मिला था। उनका स्वर हृदय के तारों को झंकृत करने वाला था। जब तक आसमान में सूर्य चंद्र और तारे रहेंगे और मानवीय समाज में सुनने की कला जीवंत रहेंगी तब तक लता दीदी को कोई नहीं भुला पाएगा। सुरेख व अजरामर गीतों के माध्यम से उनके द्वारा की गई देशभक्ति को मैं प्रणाम करते हुए उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर का निधन कला और सांस्कृतिक क्षेत्र के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। यूं तो संसार में कोई अमर नहीं, फिर भी अपने जीवन के संघर्षपूर्ण दिनों से लेकर अपनी कला, परिश्रम, लगन और रियाज से संगीत क्षेत्र में जो ऊंचाई लता जी ने हासिल की वस्तुतः अनुकरणीय एवं वंदनीय है। ईश्वर उन जैसी कलाकार संभवतः इस सृष्टि में फिर से नहीं भेज सकता। लता जी के सुमधुर सुरीले गायन की प्रशंसा शास्त्रीय संगीत के नामचीन गायक कलाकारों एवं संगीतकारों ने सदैव की है। उनके निधन पर मेरी ओर से तथा अनूप जलोटा सांस्कृतिक मंच, शारदा बहुउद्देशीय संस्था तथा कला शिखर जैसी संगीत से संबंधित सभी संस्थाओं की ओर से विनम्र भावपूर्ण श्रद्धांजलि। वर्ष 2008 में राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय के 95 दीक्षांत समारोह में गायिका लता मंगेशकर को डीलिट डॉक्टरेट ऑफ लेटर्स की मानद उपाधि प्रदान की गई थी। अपनी शारीरिक अवस्था के कारण वे उपस्थित नहीं हो पाई थी। उनके परिजन आदिनाथ डिग्री स्वीकार करने के लिए उपस्थित हुए थे, लेकिन लता जी ने वीडियो क्लिप भेजकर विश्वविद्यालय प्रशासन का शुक्रिया अदा किया था। नागपुर विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति डॉक्टर एस एन पठान के प्रयासों से यह संभव हो सका। दीक्षांत समारोह को याद करते हुए पूर्व कुलपति डॉक्टर पठान ने कहा कि विश्वविद्यालय ने लता दीदी को डीलिट देने का फैसला किया था। कुलपति के रूप में मैं इस निर्णय के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार था। उस समय उनके परिजनों के जरिए पता चला था कि उनका स्वास्थ्य खराब होने के कारण वे कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाएगी, लेकिन हिम्मत न हारते हुए मैं मंगेशकर परिवार के करीबी प्रोफेसर राम शेवालकर के जरिए मुंबई स्थित उनके निवास स्थान पर पहुंचा। विश्वविद्यालय द्वारा लिए गए निर्णय की जानकारी उन्हें दी। उन्होंने शारीरिक अवस्था के कारण कार्यक्रम में शामिल होने से मना कर दिया। मैंने उन्हें विश्वविद्यालय के गौरवशाली इतिहास के बारे में बताया। वीर सावरकर से लेकर इंदिरा गांधी तक कई मान्यवरों को यूनिवर्सिटी ने डीलिट की उपाधि प्रदान की थी। तब उन्होंने डीलिट डिग्री स्वीकार करने की इच्छा जताई। स्वास्थ्य खराब होने के कारण वे उपस्थित तो नहीं हो पाई, लेकिन वीडियो संदेश के जरिए उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन का आभार माना। उन्होंने डिग्री स्वीकार करने के लिए अपने पोते आदिनाथ को भेज दिया। आज 15 प्लस और 45 प्लस आयु वर्ग के सभी नागरिकों का कोविशील्ड का टीकाकरण नागपुर महानगर पालिका के साथ साथ सरकारी केंद्रों पर होगा। टीकाकरण का समय शाम के 5 बजे तक होगा। टीकाकरण के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पद्धतियों से पंजीकरण किया जा सकता है। इसी तरह ड्राइव इन वैक्सीनेशन केंद्रों पर भी 15 वर्ष और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों को कोविशील्ड के जरिए टीकाकरण किया जाएगा। यह जानकारी चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजय चिलकर ने दी। इसी तरह 15 प्लस और 45 प्लस आयु वर्ग के नागरिकों के लिए कोवैक्सीन का पहला और दूसरा डोज मेडिकल कॉलेज डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर अस्पताल कामठी रोड व स्वर्गीय प्रभाकर दत्त के मनपा महाल रोग निदान केंद्र, एम्स आइसोलेशन अस्पताल इमामबाड़ा, इंदिरा गांधी अस्पताल गांधीनगर, मनपा स्त्री अस्पताल पाचपावली और प्रगति हॉल दिगोरी में उपलब्ध है। भारतीय जनता पार्टी बुनकर मोर्चा नागपुर शहर की ओर से भारत रत्न स्वर सम्राज्ञी लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर मध्य नागपुर के विधायक विकास कुंभारे, महाराष्ट्र प्रकोष्ठ श्यामजी चंदेकर, विदर्भ समन्वयक गजानन खापरे, नागपुर शहर अध्यक्ष किशोर उमरेडकर, गजानन सेलूकर, मधुर गाड़ीकर, युवराज निपाने, हेमंत बर्डे, दिलीप राउत, संजय निनावे, मंगेश सिरसकर, राजू मौंदेकर, लक्ष्मण पाठराबे, वासुदेव चिंजघरे, राजेश बाहरघरे, बंटी कुंभारे, पुष्पा पाठराबे, ताराचंद खापेकर आदि पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण उपस्थित थे।
हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के 810वें उर्स मुबारक के मौके पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मध्य नागपुर की ओर से राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और उनके परिवार पर आई मुसीबत को दूर करने, उनकी लंबी आयु, जल्द से जल्द उन पर लगाए गए सारे झूठे आरोप हटने तथा आगामी नागपुर महानगर पालिका चुनाव में कार्यकर्ताओं के साथ खड़े रहकर उनका जोश बढ़ाने के लिए दुआ व प्रार्थना की गई। अजमेर शरीफ में देश के महान सूफी संत ख्वाजा साहिब की विश्व प्रसिद्ध दरगाह में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नागपुर शहर अध्यक्ष दुनेश्वर पेठे, जिला परिषद सदस्य सलील देशमुख व मध्य नागपुर अध्यक्ष रिजवान अंसारी के हाथों से एक चादर भेजते हुए देश में अमन और खुशहाली के लिए प्रार्थना की गई। ख्वाजा साहब की शान में शहर अध्यक्ष दुनेश्वर पेठे ने कई अहम बातें कार्यकर्ताओं को बताते हुए कहा कि ख्वाजा साहब ने इस रूहानी रास्ते पर निकलने के बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ख्वाजा साहब शिक्षा हासिल करते हुए समरकंद, बुखारा, बगदाद, इराक, अरब, शाम आदि का सफर किया है। वह पहली बार अजमेर सन 1190 में आए। उस समय अजमेर पर राजा पृथ्वीराज चौहान का शासन था। जब ख्वाजा साहब अपने साथियों के साथ अजमेर पहुंचे तो ख्वाजा साहब ने अजमेर शहर से बाहर अनासागर के किनारे अपना ठिकाना बनाया। ये जगह आज भी ख्वाजा के चिल्ला के नाम से जानी जाती है। हाल ही में द पेपर ट्रेडर्स एसोसिएशन नागपुर की 55वीं वार्षिक आम सभा होटल हरदेव में संपन्न हुई। सभा में एसोसिएशन की गतिविधियों पर प्रकाश डालते हुए वर्तमान पदाधिकारियों द्वारा किए गए कार्यों पर संतोष व्यक्त किया गया। उसके उपरांत द पेपर ट्रेडर्स एसोसिएशन नागपुर की वर्ष 2021-2023 हेतु कार्यकारिणी का चुनाव संपन्न हुआ। इसके चुनाव अधिकारी महेश खंडेलवाल एवं चंद्रकांत सहानी थे। इसमें आशीष खंडेलवाल निर्विरोध रूप से अध्यक्ष निर्वाचित हुए। हर्षित भंसाली सचिव चुने गए। ललित सूद उपाध्यक्ष, संदीप अग्रवाल कोषाध्यक्ष तथा किशोर खुशालानी सह सचिव के रूप में निर्वाचित हुए। कार्यकारिणी के अन्य पदाधिकारियों में मनीष हटवार, पीयूष डागा, प्रतीक जैन, विनीत शाह, किशोर देशमुख, राजेश खंडेलवाल एवं आशीष आर खंडेलवाल का निर्वाचन हुआ। कार्यकारिणी के पूर्वाध्यक्ष सतीश आहूजा, नरसिंह सारडा सहित अनेक महानुभावों ने निर्वाचित नवीन कार्यकारिणी के अध्यक्ष, सचिव तथा अन्य पदाधिकारियों एवं सदस्यों को बधाई दी एवं विश्वास व्यक्त किया कि इनके नेतृत्व में एसोसिएशन सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगी। द पेपर ट्रेडर्स एसोसिएशन नागपुर की वार्षिक सभा में लिए गए निर्णयों पर नरसिंह सारडा ने प्रकाश डाला। हाल ही में आहूजा नगर सुशीला दरबार में संत सहजराम मार्ग का नामकरण समारोह संपन्न हुआ। नामकरण समारोह में मनपा के पूर्व स्थायी समिति अध्यक्ष वीरेंद्र कुकरेजा, मंडल अध्यक्ष संजय चौधरी, कर वसूली समिति सभापति महेंद्र धनविजय, मंगलवारी जोन अध्यक्ष प्रमिला मथरानी, नगर सेविका सुषमा चौधरी की मौजूदगी में दरबार की दादी सुशीला देवी के हस्ते कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसके पश्चात जरीपटका पुलिस स्टेशन से नारा घाट होते हुए सोनूपान मंदिर तक के सड़क डामरीकरण का भूमि पूजन महापौर दयाशंकर तिवारी के हस्ते हुआ। इस कार्यक्रम में पूर्व विधायक मिलिंद माने, वीरेंद्र कुकरेजा, मंगलवारी जोन अध्यक्ष प्रमिला मथरानी, नगर सेविका सुषमा चौधरी उपस्थित थे। जरीपटका स्थित परेश ट्रेडर्स से सेतिया चौक तक के सीमेंट रोड का भूमि पूजन महापौर की प्रमुख उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में महापौर ने कहा कि विकास के लिए हम कटिबद्ध है। इस कार्यक्रम में दादा घनश्याम दास कुकरेजा, दादा भगवान दास आडवाणी, घोटकी पंचायत के अध्यक्ष वलीराम सहज रामानी, जियन राम चोटरानी, शंकर भोजवानी, नरेश खुशालानी, अमर मायानी, श्री चंद चावला, जीतू ठाकुर, राजेश बटवानी, खेमराज दमाए, प्रीतम मथरानी, खुशल दोई फोड़े, सरिता माने, सुरेंद्र वाघमारे, आकाश जटाले, मनीष दासवानी, जगदीश वंजानी, हरीश मूलचंदानी, विजय भोजवानी, राजेश धनवानी, योगेश खेलवानी, कन्हैया रूपचंदानी, पवन गिदवानी, प्रेम मोरियानी, राम भोजवानी, विजय केवल रामानी, दयाल मूलचंदानी, पूरन आडवानी उपस्थित थे। अजमेर में शुरू 810वें उर्स में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की हाजिरी लगाने हेतु पवित्र चादर रवाना की गई। उल्लेखनीय है कि पिछले 13 वर्षों से इस चादर को भाजपा प्रदेश अल्पसंख्यक मोर्चे के सचिव असलम शेख के जरिए भेजकर ख्वाजा गरीब नवाज को पेश की जा रही है। इस अवसर पर कामिल अंसारी, जुनैद खान, लाला कुरेशी, मुश्ताक शाबरी, दीवान शाद, हाशिम अली, मोबिन उमर ताजी, रजाक शेख और कई अन्य कार्यकर्ता तथा पदाधिकारीगण उपस्थित थे। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने संदेश स्वरूप एक पत्र भेजकर महान सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से देश में अमन और खुशहाली के लिए प्रार्थना की है।
शिवसेना शिव अल्पसंख्यक सेना की पश्चिम नागपुर में शाखा उद्घाटन व भव्य पार्टी प्रवेश का कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम शिव अल्पसंख्यक सेना के महाराष्ट्र उप प्रमुख महबूब भाई शेख के आदेशानुसार महाराष्ट्र राज्य सचिव अनिस चमेड़िया, कोर कमेटी सदस्य प्रतीक बहुगुणा, विदर्भ संपर्क प्रमुख संतोष ठाकुर, सह संपर्क प्रमुख विनोद कल्याणी के मार्गदर्शन में किया गया। इस अवसर पर नागपुर जिला प्रचार प्रमुख प्रशांत गोलछा, जिला प्रमुख जिशान गाजी के नेतृत्व में कई कार्यकर्ताओं ने शिव अल्पसंख्यक सेना में प्रवेश किया। कार्यक्रम के आयोजक उपजिला प्रमुख राजपाल सिंह चौहान, उपशहर प्रमुख डॉक्टर महेंद्र कुमार थे। इस अवसर पर शिव अल्पसंख्यक सेना की पश्चिम नागपुर कार्यकारिणी गठित की गई, जिसमें उपशहर प्रमुख डॉक्टर महेंद्र कुमार सर, पश्चिम उपशहर प्रमुख आदर्श ठाकुर, पश्चिम उपविभाग प्रमुख शुभम यादव, पश्चिम उपविभाग प्रमुख गोविंद यादव, प्रभाग प्रमुख नितेश मिश्रा, उपप्रभाग प्रमुख जय मिश्रा, उपप्रभाग प्रमुख मोंटो गुज्जर, शाखा प्रमुख करण यादव, उपशाखा प्रमुख विनय चतुर्वेदी का समावेश है। राज्य में महाविकास आघाड़ी सरकार आम जनता के हित में कई कार्य कर रही है। सरकार द्वारा आम आदमी के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं लागू की जाती है, लेकिन जानकारी के अभाव में कई योजनाएं हर नागरिक तक नहीं पहुंच पाती। नागपुर शहर कांग्रेस कमेटी के महासचिव अभिजीत दिनेश ठाकरे ने कहा कि ये सभी योजनाएं आम जनता के लाभ के लिए प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम में शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विधायक विकास ठाकरे, प्रदेश महासचिव अतुल कोटेचा, नंदा पराते, पार्षद हर्षला साबले, पूर्व पार्षद मनोज साबले, राजेश कुंभलकर, मिलिंद येवले, हेमंत कथोटे, बंटी सालुंखे, पवन चौधरी, राजेश तरवतकर, शिल्पा यादव, मनीषा वानखेड़े, कल्पना फुल बांधे, दिलीप शिंगड़े मौजूद थे। इस शिविर में लगभग 130 नागरिकों के ई श्रम कार्ड, 98 नागरिकों के कोरोना वैक्सीन ई पास, संजय गांधी योजना के अंतर्गत 18 नागरिकों के लाभार्थी कार्ड और 50 परिवारों के नए राशन कार्ड बनवाए गए। अभिजीत ठाकरे ने कहा कि सरकार द्वारा कई कल्याणकारी योजनाएं लागू की जा रही है और वे हमेशा कांग्रेस पार्टी के माध्यम से इस योजना का लाभ क्षेत्र के सभी जरूरतमंद नागरिकों तक पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। अभिजीत ठाकरे ने कहा कि भविष्य में भी सभी सरकारी योजनाओं को वार्ड स्तर पर लागू किया जाएगा। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लाभार्थी एवं नागरिकगण उपस्थित थे। प्रतिवर्ष बसंत पंचमी के पावन पर्व पर भोई ढीवर घुमंतु समाज के आराध्य गुरुदेव महर्षि नाथू बाबा जयंती महोत्सव मनाया जाता है। इस वर्ष भी 5 फरवरी को महर्षि नाथू बाबा जयंती गुरुदेव महर्षि नाथू बाबा का अभिषेक, हवन, पूजन व महाप्रसाद वितरित कर मनाया गया। महोत्सव के अवसर पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें चित्रकला स्पर्धा, रंगोली स्पर्धा, नृत्य कला स्पर्धा व गीत गायन स्पर्धा का समावेश है। इस वर्ष गीत गायन स्पर्धा में प्रथम क्रमांक भारती शैलेंद्र करतार ने प्राप्त किया है। जयंती के उपलक्ष्य में समाज सेवकों द्वारा मेधावी खिलाड़ियों और विद्यार्थियों का सत्कार किया गया। विशेषकर इस वर्ष जीएमसी नागपुर मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस कोर्स में प्रवेश मिलने पर उदय दयाराम करतार एवं एनआईटी भोपाल में प्रवेश मिलने पर अनमोल नरेंद्र गौर का सत्कार किया गया। खिलाड़ियों में वेटलिफ्टिंग में राजेश गौर तथा कराटे में ओम राजेश गौर, सिमरन राजेश गौर और सुहानी नरेश गौर का सत्कार किया गया। समाज सेवा के लिए सीताराम गौर, एडवोकेट दादा साहब पलथरे, नोखलाल गौर, भरत गौर, दिलीप गौर, रवि गौर, अनिल नायक, यशोदा गौर का सत्कार किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम के पुरस्कार प्रभाग की नगर सेविका सरला कमलेश नायक के हस्ते प्रदान किए गए। कार्यक्रम को सफल बनाने में कमेटी अध्यक्ष नंदकिशोर गौर, सचिव राहुल गौर, नीतू गौर, राधा गौर आदि ने प्रयास किया। दयानंद आर्य कन्या महाविद्यालय नागपुर, बीएएल अमलानी कॉलेज ऑफ कॉमर्स मुंबई, महिला अध्ययन और अनुसंधान केंद्र रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर, केपीबी हिंदुजा कॉलेज ऑफ कॉमर्स मुंबई, ये तमाम शैक्षणिक संस्थाओं के संयुक्त तत्वावधान में 3 दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत पाली भाषा पाठ्यक्रम कार्यशाला का ऑनलाइन आयोजन किया गया। इस अवसर पर दयानंद आर्य कन्या महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर श्रद्धा अनिल कुमार ने अपने प्रस्ताविक भाषण में कहा कि क्षमता निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत ये शॉर्ट टर्म कोर्स रखा गया है। इस पाठ्यक्रम से सभी छात्र छात्राएं लाभान्वित होंगे व पाली प्राकृति ये प्राचीन भाषा होने के कारण इसका बेसिक ज्ञान हमें होना चाहिए। उन्होंने पाली भाषा के महत्व पर प्रकाश डाला। बीएएल अमलानी कॉलेज ऑफ कॉमर्स मुंबई के प्राचार्य डॉक्टर जितेंद्र अहिरकर सर के प्रेरणा से ही ये कार्यक्रम सफल हो पाया। पाली प्राकृत भाषा को समाज तक पहुंचाने, भाषा कोई भी हो उसका ज्ञान होना, इतिहास के बारे में जानकारी छात्रों को होनी चाहिए। इस अवसर पर प्रमुख वक्ता प्रोफेसर सुजीत वनकर, पाली एवं प्राकृत विभाग, राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय ने पहले 2 दिन के सत्र में पाली भाषा के संदर्भ में पाली के इतिहास और महत्व को विस्तार से विद्यार्थियों को समझाया। कन्हान स्थित वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की मुख्य पाइपलाइन में लीकेज होने के कारण आज आशीनगर जोन और सतरंजीपुरा जोन के 9 टैंकों से जलापूर्ति नहीं होगी। दरअसल एक 900 मिलीमीटर व्यास की मुख्य पाइपलाइन प्लांट और उत्तर पूर्व नागपुर के पानी सप्लाई के उपकरणों को जोड़ती है।
इस पाइपलाइन में छेद हो गया है। उत्तरी नागपुर को जलापूर्ति करने वाले टैंक ऑटोमोटिव चौक और पीली नदी के निकट लीक हो गए हैं। अतः नागपुर महानगर पालिका की जलापूर्ति विभाग और OCW ने लीकेज की मरम्मत करने के लिए 28 घंटे तक जलापूर्ति बंद कर दी है। ये शटडाउन सोमवार 7 फरवरी को निर्धारित की गई है। मंगलवार 8 फरवरी को भी सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक लीकेज की मरम्मत के दौरान आशीनगर और सतरंजीपुरा जोन में 9 पानी की टंकियों से जलापूर्ति बंद रहेगी। उल्लेखनीय है कि पानी के टैंकरों से भी जलापूर्ति नहीं हो सकेगी। इस अवधि के दौरान सतरंजीपुरा और आशीनगर जोन के अंतर्गत आने वाले इंदौरा, बेजनबाग, बिनाकी 1, बिनाकी 2, बिनाकी 3, इंदौरा 2 और बस्तरवाड़ी इलाकों में टैंकों से जलापूर्ति नहीं हो पाएगी। 8 फरवरी को दोपहर 2 बजे के बाद जलापूर्ति दोबारा सटीक तरीके से बहाल होगी। तो नागपुर हलचल में आज इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए BKB न्यूज़। नमस्कार।